नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। मायसेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज के सेशन में हम प्रसव परिचर्या के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने प्रसव अवस्थाएं बताई थी, उन्हीं प्रसव अवस्थाओं के अनुसार प्रसव के समय क्या क्या परिचर्या करनी चाहिए वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आसन्न प्रसव है, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। जो स्त्री आसन्न प्रसवा है उसको सर्वप्रथम अभ्यंग कराना है। अभ्यंग कराने के बाद उष्णोदक से स्नान कराना है और फिर आकंठ यवागु का पान करवाना है। आचार्य वाग्भट ने आकंठ यवागु की जगह घृतयुक्त पेय देने का निर्देश किया है और आचार्य काश्यप ने मांसरस का निर्देश दिया। आकंठ यवागु पान कराने के बाद मर्दोस्तरण और उपाधान युक्त आसन पर गर्भिणी स्त्री को उत्तान शयन करवाने के लिए कहना है, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। आचार्य वाग्भट इसमें रक्त वर्षभ चर्म से बने हुए आसन पर बिठाने के लिए या शयन के लिए बताते हैं। उपाधान यहाँ पर तकिए से या फिर सहारे से लिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने जो पोजीशन बताई है स्त्री की वो है शक्ति मोड़कर उत्तान शयन अवस्था, जबकि चरक ने आसन पर बैठने के लिए कहा है, न कि शयन के लिए। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि आचार्य चरक द्वारा बताई गई पोजीशन जो है वो अर्ली स्टेज की है, जबकि आचार्य सुश्रुत द्वारा बताई गई पोजीशन लेट फर्स्ट स्टेज की है, जिस टाइम डायलिटेशन कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट डिलीवर हो पेशेंट का फिटस कभी भी डिलीवर हो सकता है। आसन्न प्रसवा स्त्री का मोरल बढ़ाने के लिए प्रजनन कुशला स्त्रियों के द्वारा उसको एश्योरेंस दिया जाना चाहिए और सांत्वना दी जानी चाहिए और पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए। पार्श्व पृष्ठ कटी और शक्ति पर कोष्ण तेल से अभ्यंग करने के लिए वाग्भट ने बताया है। इससे गर्भ जो है वो अवाक होगा, यानी गर्भ का डिसेंट होगा और डिलीवरी इजीली होगी, सुखपूर्वक डिलीवरी होगी। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि सूतिकागार में चार परिचारक होने चाहिए जो कि प्रजनन कुशल हो, यानी डिलीवरी कराने में स्किल्ड हो, परिणत वयस्क हो यानी अनुभवी हो, खूब सारी डिलीवरीज करवा चुकी हो, और असंकन्य हो यानी लज्जा रहित हो, या जो आसन्न प्रसवा स्त्री है वो उन परिचारक से किसी भी प्रकार की लज्जा न रखती हो, ऐसी स्त्री, ऐसी परिचारक या स्त्रियां सूतिकागार में होनी चाहिए। डिस्करेज फॉर प्रवाहन, इस आसन प्रसवा स्त्री को प्रवाहन के लिए नहीं कहना है और अपत्य मार्ग में तेल से अभ्यंग करवाने के लिए भाव मिश्र ने कहा है। इससे जो टिश्यूज है वो सॉफ्ट होंगे और डिलीवरी सुखपूर्वक होगी। अब बात करते हैं, अगर आवि से क्लेश पाती हुई स्त्री का प्रसव ना हो, मतलब फिटस का डिसेंट नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आचार्य चरक ने धान्यकुट्टन, जंभण और चंक्रमण के लिए कहा है। लेकिन आत्रेय ने कहा है कि गर्भिणी को कभी भी कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रजनन काल में दोष और धातुएं प्रचलित अवस्था में होती है। तो अगर गर्भिणी प्रजनन काल में चंक्रमण या धान्यकुट्टन या जरंभण करती है तो उससे वायु प्रकुपित हो जाती है और वह अवकाशों में जाकर प्राणों की हिंसा करती है। चंक्रमण के लिए जो आचार्यों ने बताया है वो बेस्ट है क्योंकि ये वेना केवा कंप्रेशन को प्रिवेंट करता है और हेड के डिसेंट में हेल्प करता है। आचार्य चरक ने फिर कहा है कि जो कुष्ठ, एला, लांगली, चित्रक, चीरबिल्व, वचा और चव्य आदि का पाउडर बनाकर इसको गर्भिणी स्त्री या आसन्न प्रसवा स्त्री को बार बार सुंगाना है। इसी तरह भूर्जपत्र और सिंसपा के धूम को स्त्री को सुंगाना है और इनके बीच बीच में पार्श्व पृष्ठ कटी शक्ति आदि पर अभ्यंग करना है और मर्दन भी करना है। इससे गर्भ अवाक होकर
सुखपूर्वक प्रसवित होगा। यवागोपान कराना है। इसी तरह आचार्य भेल ने रक्तसाली को कांजी और गोमूत्र के साथ मिक्स करके पान करने के लिए कहा है एक अक्ष मात्रा में, और दंती द्रवंती पुनर्नवा वृक्षकाली और रक्तसाली को कांजी और गोमूत्र में मिलाकर भी पान करने के लिए आचार्य भेल ने कहा है, और तीक्ष्ण तेल की अनुवासन बस्ति देने के लिए भी बताया है। अब प्रवाहन के लिए गर्भिणी को या आसन्न प्रसवा स्त्री को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, तो आचार्य चरक ने कहा है आचार्य सुश्रुत ने कहा है सुभगे प्रवाह स्वेति न च प्राप्त आविर प्रवाह, यानी जब आवि ना हो यानी कॉन्ट्रेक्शन ना हो उस समय बियर डाउन नहीं करना है, यानी प्रवाहन नहीं करना है। इससे वह प्रवाहन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, या फिर जो उसकी संतान उत्पन्न होगी वह विकृत होगी, या श्वास का सोस और प्लीहा रोग से पीड़ित होगी। यहाँ पर श्वास का कास प्लीहा और सोस की जगह कुब्जता बताया है वाग्भट ने। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अगर अकाल में प्रवाहन गर्भिणी करती है तो जो गर्भ है वो बधिर होगा, मुक होगा, कुब्ज होगा, व्यस्त हनुयुक्त होगा है, और उर्ध्व जत्रुगत रोग युक्त होता है तथा कास श्वास और सोस से पीड़ित होगा। जब आवि उत्पन्न हो जाए तभी प्रवाहन करना है। जब आवि जो है वो गर्भ नाड़ी, जब जो शूल है वो गर्भ नाड़ी बंधन जो है वो विमुक्त हो जाए और श्रोणि वंक्षण बस्ति आदि में शूल हो तब धीरे धीरे प्रवाहन करना है। जब गर्भ निर्गम काल में हो तब प्रगाढ़ प्रवाहन करना है, और जब गर्भ योनि मुख में आ जाए यानी क्राउनिंग हो जाए तब गाढ़तर प्रवाहन करना है, जिस तरह से शल्य को बाहर निकाला जाता है उसी तरह से। अब डिसेंट, गर्भ के डिसेंट होने के बाद क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी एक बार गर्भ अवाक हो जाए तो उसके बाद क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, तो सबसे पहले प्रवाहन के लिए इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए जो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि सेकेंड स्टेज है तो उस टाइम प्रवाहन जो है वो प्रगाढ़ और गाढ़तर होंगे। मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण के लिए आचार्य ने कहा है कि जैसे पृथ्वी तेज वायु विष्णु प्रजापति ये सभी तुम्हारी रक्षा करे और तुम विशल्य भाव हो जाओ और तुम्हें जो क्लेश हो रहा है वो खत्म हो जाए और कार्तिकेय के सम्मान पुत्र की प्राप्ति हो, इस तरह का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने कहा है विसिखांतर में यानी अपत्य मार्ग में जो हेयर की डायरेक्शन है, लोम की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अभ्यंग करना है और रिपीटेडली वेजाइनल कैनाल को डायलेट करना है, यानी योनिम पुनः पुनः प्रसारित, ऐसा वाग्भट ने कहा है। एक बार प्रसव हो जाने के बाद अब थर्ड स्टेज में क्या मैनेजमेंट करना है, तो थर्ड स्टेज में क्योंकि अपरापातन होता है तो स्वाभाविक अपरापातन के लिए आचार्य चरक ने कहा है यदा च प्रजाता स्यातेदेव नाम अवेक्षते कदाचित अशा अपराप्रपन्ना न वेति, यानी प्रसव के बाद कोई एक स्त्री यह जाके देखे कि अपरा का पतन हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर अपरापातन की भी इंपॉर्टेंस आचार्य चरक ने बताई है। इसी तरह अष्टांग संग्रह ने भी कहा है कि प्रसव तभी कहेंगे जब गर्भ के निष्क्रमण के बाद अपरा भी मात्र हृदय से च्युत हो जाए, यही प्रकृति है। जब तक अपरापातन नहीं होगा तब तक लेबर की स्टेजेस कंप्लीट नहीं होंगी। इसी तरह आचार्य काश्यप ने भी कहा है अपरा निर्गमन होने के पश्चात ही वह सुतिका कहलाएगी, उससे पहले उसको प्रसुता कहेंगे, सुतिका नहीं कहेंगे, यानी परप्यूरियल पीरियड जो है वो अपरापातन के बाद ही कहलाएंगे।
अपरापातन ना होने पर आचार्य चरक ने कहा है कि जो वात मूत्र पुरी शादी बहिर्गमनशील मल है वो अंदर ही संसक्त हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने आना और आधमान इसका उपद्रव बताया है, और भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने आधमान शूल और वह्निमंदता इसके उपद्रव बताए हैं। अपरापातन ना होने पर मेनली जो वात सामक ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। अष्टांग हृदय ने कहा है, तत्संगे ही अनिल हेतु सा निर्यादासु तर्जयात, यानी अपरा संग जो है वो वात के कारण होता है, इसलिए वात समन से ही अपरा इजीली रिमूव हो सकती है या अपरा एक्सपेल आउट हो सकती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विथ माई सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स सो आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच।